नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पे। आज के वीडियो में हम जानेंगे 2024 चैत्र मास में पाप मोचनी एकादशी कब है, इसका व्रत कैसे करें, पारण का शुभ मुहूर्त और एकादशी तिथि कब लग रही है, द्वादशी तिथि कब लग रही है, इन सारी बातों पे आज की वीडियो में हम जानेंगे। पाप मोचनी एकादशी पे कुछ मंत्रों का जाप करना भक्तों अत्यधिक श्रेष्ठ रहता है, वो भी आज के दिन में आपको बताऊंगी, जिससे आसानी से आप पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और भगवान का ध्यान करिएगा। अगर आप एकादशी व्रत करना चाहते हैं या करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर करना चाहते हैं तो आप अवश्य ही एकादशी के कोई भी एकादशी से आप ये व्रत उठा सकते हैं। भक्तों, सबसे पहले सुबह नित्य कार्य से निवृत्त हो जाइए, हाथ में अक्षत गंगा जल और फूल लेकर के व्रत का संकल्प करिए। व्रत के उपरांत आपको दान अवश्य करना चाहिए, किसी भी छोटी से छोटी चीज़ का दान। मैंने बताया है कि व्रत खोलने के बाद आपको अवश्य करना चाहिए, हो सके तो व्रत खोलने से पहले कर दें या व्रत खोलने के बाद करें, लेकिन दान आपको अवश्य करना चाहिए। थोड़ा सा ही अन्न का दान, वस्त्र का दान, खड़ाऊँ का दान या किसी भी चीज़ का दान आपको अवश्य करना चाहिए। आप कोई भी व्रत करते हैं तो दान आपको अवश्य देना चाहिए। भक्तों, चलिए आपको बताते हैं कि इस दिन पाप मोचनी एकादशी व्रत करने के क्या क्या पुण्य होते हैं। गौ हत्या जैसे महापाप से भी आप बच सकते हैं, ये जो आपके पाप हैं सारे नष्ट हो जाते हैं। छोटे से छोटा पाप आपसे जो हुआ है जाने में अनजाने में, भक्तों पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी का, शिव जी की आराधना करने से आज के दिन आपके सारे पाप, आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, वैकुंठ में वास मिलता है। मनुष्य सभी सुखों का भोग करके भगवान विष्णु के धाम में जाता है, ऐसी मान्यता है। किसी भी देवालय में जाके आप दीपक अवश्य जलाइए, देसी घी का दीपक आप जलाइए। पूजा करते समय अपने परिवार के लिए और अपने लिए प्रार्थना आप अवश्य करते रहिए। भक्तों, एक चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, वो है आज के दिन आपको तुलसी दल नहीं तोड़ना है। एकादशी से एक दिन पहले ही आप तुलसी दल तोड़ करके रख लें। एकादशी वाले दिन तुलसी में आप तुलसी माता को सींच सकते हैं, उनके जड़ों में आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन उसे तोड़ नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग उसी दिन तुलसी पत्तियाँ तोड़ते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। एक दिन पहले आप तुलसी पत्ती तोड़ें, उसे गीले कपड़े में आप रख दें। तुलसी पत्ती 7 दिन तक बासी नहीं होती है, इसलिए आप इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। अगर आप बाज़ार से लाते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप नहीं ला पाए हैं तो एक बहुत अच्छा कार्य है, वो आप करिए। जो भी तुलसी पत्ती नीचे गिरी हुई है उसे भी आप अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि चैत्र मास में कृष्ण पक्ष में 2024 एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी। 4 अप्रैल गुरुवार दोपहर में 4:15 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भक्तों, एकादशी तिथि समाप्त होगी 5 अप्रैल शुक्रवार दोपहर 1:28 पर। उद्यातिथि की मान्यता के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत आपको करना है 5 अप्रैल 2024, दिन रहेगा शुक्रवार जो कि माता लक्ष्मी का दिन है। भक्तों, तो उस दिन आप मंत्रों का जाप अवश्य करिए जो कि मैं आज आगे बताने वाली हूँ। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 अप्रैल शुक्रवार दोपहर 1:29 से द्वादशी तिथि समाप्त होगी। 6 अप्रैल शनिवार सुबह 10:19 तक ये रहेगी। एकादशी का व्रत जो है वो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग करते हैं, द्वादशी तिथि का व्रत जो है वो आपके वैष्णव संप्रदाय के लोग और सन्यासी लोगों के लिए है। चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी का पारण आपको कब करना है, पारणा का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, तभी उसके पुण्य फल की प्राप्ति होती है। 6 अप्रैल 2024, दिन रहेगा शनिवार, सुबह 6:17 से 9:25 के बीच में आप अपना पारण अवश्य कर लें। देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपको अपने कार्यस्थल पे जाने का है, आपको बहुत जल्दी है, तो आप जो एक दिन पहले भगवान को भोग लगाए हुए हैं उस का भी आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं।
और उससे अपना पारण कर सकते हैं। विशेष रूप से ध्यान रखिए कि अगर आप व्रत भी नहीं करते हैं तो आपने उस दिन चावल आप ना खाइए, चावल से बनी हुई चीज़ों का आप उपयोग ना करिए। आपको आज का विशेष मंत्र मैं बता देती हूँ, जो कि है ओम भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप आप पूरे दिन करिए। अगर आप मंदिर में बैठ करके भी आधा घंटा एक घंटा जाप करना चाहते हैं तो आप अवश्य करिए। एक माला जाप भी आप कर सकते हैं, 11 बार इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। जाप करने के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य मांग लीजिए। अपने पापों की क्षमा भगवान से आज के दिन अवश्य मांगनी चाहिए। भक्तों, पाप मोचनी एकादशी की कहानी जल्दी ही हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगी, तो उसे भी बहुत श्रद्धा के साथ आप सुनिएगा। आप सभी के घर में माता भगवती और विष्णु भगवान की कृपा निरंतर ही बनी रहे। भक्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। हर हर महादेव।